ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पिछले लेक्चर पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है, के बारे में बताया था, और प्रिंसिपल वैल्यू जनरल वैल्यू के बारे में हमने बात किया था। ओके, तो अब देखिए जो आज का लेक्चर है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, और मैंने आपको बताया था कि इसकी प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें हो गई थी। जनरल सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन हो गया था, ठीक है, तो जो लोग आज नए हैं तो इसका पिछला लेक्चर देखें। ओके, अच्छा, अब देखिए जो आज ट्रिग्नोमेट्री में जो मिसलिनियस प्रॉब्लम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह सेम आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो भी चीजें बता दी गई आपको उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, हम लोग उनको सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे मिसलिनियस प्रॉब्लम है, मिसलिनियस एक्सरसाइज है, ठीक है, मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर किसकी है, थ्री, चैप्टर नंबर थ्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो मिसलिनियस प्रॉब्लम्स है। ओके, देखो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है। अब देखो बेटा यहां से क्या है कि मिसलिनियस प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन नंबर वन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, टू कॉस प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 प्लस cos 3π/13 और प्लस cos 5π/13 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से क्या है कि इन दिस सिचुएशन 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इक्वल टू जीरो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से अगर जीरो प्रूव करना है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये दोनों टर्म क्या है, प्लस में, ये बोथ टर्म किस में ऐड है, प्लस साइन से, ये इनटू में 2 cos A cos B। अब देखो यहाँ पे जीरो प्रूव करना है, जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है जैसे लाइक दिस 5/13 9/13 3/13, तो ये टेबल से भी कैलकुलेट नहीं होंगी, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, और ये इनटू में है, ये किसमें है, इनटू में है, तो देखो यहाँ से क्या आएगा 2 cos A cos B, क्या होता है बेटा, cos A+B और प्लस cos A-B, क्लियर है, 2 cos A cos B, इनटू से ऐड में हमको फॉर्मूला यूज करना है 2 cos A cos B, बेटा यहाँ से फाइनली क्या आएगा, देखो cos A+B अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा आपका cos A+B मतलब π/13 प्लस 9π/13 और प्लस cos A-B π/13 माइनस 9π/13 और प्लस cos, ये ऐसे थर्ड टर्म ऐसे एज इट इज कॉपी करेंगे बेटा, तो cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, क्लियर है। अब देखो बेटा यहाँ से क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, cos π/13 प्लस 9π/13, 13 दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर ऐसे ऐड हो जाएगा, मतलब 10π/13, क्लियर है। यहाँ पे देखो π-9, तो π-9 मतलब 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे, जब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा क्या जाएगा, cos माइनस का 8π/13, क्लियर है, प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ओके। अब देखिए यहां से cos माइनस थीटा, ये क्या लिखा है, cos माइनस थीटा, तो वी नो दैट cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, cos थीटा, क्लियर है, cos माइनस थीटा cos थीटा,
अब देखो यहाँ से क्या करना है यार, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस 10 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 8 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13। ओके क्लियर है। अब इतना जब हो गया ना, तो अभी बस समझिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां से इनटू से ऐड में मैंने अप्लाई किया, अब थोड़ा सा अकल और लगाना है कि इसको और कैसे सिंप्लीफाई करें। देखो यहाँ पे भाई, अगर इसमें भी यही प्लस से ऐड प्लस के फॉर्म में इनटू करोगे तो और दिक्कत हो जाएगी। तो आपने कहा यार एक काम करना है, यहाँ पे रीअरेंज करना है, इस वाले टर्म को इसके साथ लेना है, नहीं फर्स्ट वाले को थर्ड के साथ। ओके किसके साथ? फर्स्ट वाले को थर्ड के साथ करना है और यहाँ पे सेकंड वाले को लास्ट के साथ करना है। फर्स्ट वाला टर्म थर्ड के साथ और सेकंड वाले को किसके साथ? लास्ट टर्म के साथ लेना है। और जैसे ही आप पेयर फॉर्म कर लो ना, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है? लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 2 cos ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ओके समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या करना है, इस वाले को पहले अरेंज करके मैं साथ तो लिख लूं पहले। देखो बेटा यहाँ पे मैंने इसको लिखा cos 10 पाई अपॉन 13 प्लस cos, ठीक है, प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 और प्लस cos 8 पाई अपॉन 13 और प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। क्लियर? ओके देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस, बस ये इस आइडेंटिटी का यूज करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है, कॉस ए प्लस कॉस बी 2 cos a + b/2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। जैसे ही आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे ना, देखो यहाँ से इक्वल टू इधर ही लिख दे रहा हूँ। ओके इक्वल टू चल रहा है, हमने यहाँ पे LHS लिया था। ओके LHS लेने के बाद ये कहानी यहाँ तक की सॉल्व हुई। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है? 2 cos a + 10 pi / 13 3 पाई अपॉन 13 बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी 10 पाई बाई 13, 10 पाई बाई 13 माइनस 3 पाई बाई 13 अपॉन में 2। अपॉन में क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। क्लियर है? और देखो जो ये वाला भी, ये मैंने इसी में अप्लाई किया है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, यहाँ पे इसमें अप्लाई करो तो प्लस का साइन तो लगेगा ना। देखो प्लस का साइन लगा दिया प्लस। अब तो खैर इस टर्म को थोड़ा सा इसके नीचे लिखना पड़ेगा ना, कंफ्यूज मत होइएगा। ये इम्प्लाइज दैट दिस, ये इसका सम से इनटू में आया, फिर प्लस इन दोनों का देखो 2 cos 8 pi / 13 प्लस 5 pi / 13 और बाई क्या होगा 2 इंटू कॉस 8 pi / 13 माइनस का 5 pi / 13 और बाई क्या होगा 2। क्लियर है? इतना जब आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ध्यान से देखिएगा, इतना जब आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है, ओके तो यहां से क्या आएगा 2 cos 8 pi। अब देखो इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा बहुत ही फास्ट सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, ये देखो मैं बोल दे रहा हूँ 10, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 13 13, तो 10 और प्लस 3 कितना होगा 13, 13 pi/13, 13 से 13 कटेगा, यहां से क्या आएगा ओनली 2 cos pi/2। ओके यहाँ पे देखो 10 माइनस 3 कितना आएगा 7, तो ये आ जाएगा आपका cos 7 pi/26 प्लस यहाँ पे देखो ये 8 + 5 13, 13/13 कट गया, कितना बचा 2 cos pi/2 इंटू कॉस 8 - 5 3, तो cos 3 pi / 26। क्लियर है? यस और नो? इतना समझ में आ गया भैया, यहाँ पे कैलकुलेशन में दिखाया नहीं है, बस मुंह से बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये 10 pi / 13 प्लस 3 pi / 13 को ऐड कर लो, और ऐड करने का मतलब ये 13 13 कैंसिल, तो 10 + 3 क्या आएगा 13, 13/13 क्या आया 1, तो π/2 बचेगा, तो यहाँ π/2 लिखा है। फिर ये दूसरा का वाला क्या होगा cos 7 pi/26, अब फिर यहाँ पे प्लस का जो साइन लगा हुआ, देखो यहाँ पे ये साइन देख लेना, चौपट मत कर देना यहाँ पे, 2 cos 8 + 5 कितना 13/2 मीन 2 cos π/2, फिर यहाँ पे इंटू कॉस 3π/26। क्लियर है? अब देखो क्या है, कॉस 90 cos π/2, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0। तो यहां से
ये सब क्या हो गया, ये जीरो हो गया, ये बचेगा यहाँ पे, ये जीरो हो गया, ये बचेगा। ठीक है, ऊपर आपने इतना लिख लिया होगा, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमारे पास फाइनली क्या आया है, 2 cos π/2 × cos 7π/26 एंड प्लस 2 cos π/2 × cos 3π/26। भैया ये पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है, cos π/2 cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो 2 × 0 2 × 0 × cos 7π/26 प्लस 2 × 0 प्लस × cos 3π/26, कुल मिला के क्या आ गया, 2 × 0, ये सब जीरो, ये भी जीरो, फाइनली क्या आ गया, जीरो। ओके, तो आरएचएस पे ये प्रूव करना था। तो पहले इनटू से मैंने ऐड वाला फॉर्मूला लगाया, और जब ऐड आ गया तो मैंने यहाँ पे रिअरेंज किया, पेयर फॉर्म किया, और पेयर फॉर्म करने के बाद भैया हमने फिर क्या लगाया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 cos a + b/2 × cos a - b/2। ठीक है, तो यहाँ से रिअरेंज करने के बाद फिर यहाँ पे जैसे फॉर्मूला लगाया, cos 90 आया, और cos 90 वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्लियर है, तो यहाँ पे ओवरऑल जीरो आ गया। ठीक है, ओके। अमन पांडे सर, मेरे 100 में 23 नंबर आए हैं, आपने जो बताया था वो पढ़ के गया होता तो इतने आते। सॉरी सर जी। अच्छा, अपने मन का करोगे तो नंबर तुम्हारे ही मन के आएंगे ना। क्लियर है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर मिसलिनियस जो प्रॉब्लम्स गिवन रहती है उसे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके, तो क्लियर है सभी को क्वेश्चन। सर जी बताइए क्या करूं। अरे बेटा करना क्या है, जो चीजें पढ़ा रहे हैं उसी को रिवाइज करो अच्छे से, नोट्स वगैरह बनवा दिया उसी को रिवाइज करते रहो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है अदिति? ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार अच्छे से, मतलब कि क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, प्रूफ क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, अब ये भी नहीं जैसे एक बार अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आपको कोई बता दे रहा है, ठीक है, देखो नया क्वेश्चन भी अगर आपके सामने आ जाता है तो हम लोग थोड़ा सा जो भी चीजें पढ़े होते हैं उसी को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक, बट अगर लगाया हुआ क्वेश्चन अगर एग्जाम सामने आया है तो उसका तुरंत आंसर दिया करो। ठीक है, तो वो सारी चीजें दिमाग में रखा करो आप लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में क्या है बेटा, इसमें भी जीरो प्रूफ करना है। लो आज आंसर यहाँ पे सेकेंड वाले में भी जीरो प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे जीरो प्रूफ करोगे, प्रूविंग का क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन 3x+ का साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस का cos 3x cos 3x - cos x × cos x = 0। क्लियर है, ओके। तो देखो यहां से बेटा क्या करना है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे sin a + sin b का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे cos a - cos b का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सा बस इतना सा काम करना है। तो देखो एक बार आपको यहाँ पे रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो, sin a + sin b = फॉर्मूला तो साइड में लिखना ही लिखना है। ठीक है, और आप लिखते रहोगे तो फॉर्मूला आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगे, 2 sin a + b/2 × cos a - b/2। ओके, अच्छा इनसे मुलाकात की तो ये कह रहे हैं हम कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, cos a - cos b = 2 cos a + b/2 × cos a - cos b में क्या होता है, cos a - cos b दोनों फंक्शन साइन के होते हैं भैया, तो यहाँ पे -2 sin a - b/2 × sin a + b/2। ये मैंने माइनस साइन पहले लिख लिया है, बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पे a - b ना लिख करके b - a लिखेंगे। ठीक है, b - a लिखेंगे। ओके, तो अब देखो भैया बस चुपचाप यहाँ पे LHS लो
और LHS लेने के बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 3H प्लस साइन एक्स, टू साइन 3H प्लस एक्स, फॉर्मूला साइड में लिख दिया है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट एक स्टेप लिख लो, टू साइन ए प्लस बी बाई टू, ओके, और एन टू एन टू कॉस 3X माइनस का एक्स अपॉन में टू, प्लस इन टू में क्या है, इन टू में यहाँ बेटा क्या आएगा साइन एक्स, इन टू में क्या आएगा साइन एक्स, प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी क्या आएगा बेटा कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस का टू साइन 3X माइनस एक्स बाई टू इन टू साइन 3X प्लस का एक्स बाई टू, ये तो फॉर्मूले का हो गया। फिर यहाँ पे क्या करना कॉस एक्स, ओके। अब देखो यहाँ से फाइनली देख लो, जल्दी से देखिए 3X प्लस एक्स क्या आएगा 4X, 4X अपॉन टू क्या आएगा 2X, तो 2 साइन 2X आ गया, इनटू 3X माइनस एक्स 2X, 2X अपॉन टू एक्स इनटू साइन एक्स, ओके। ये माइनस साइन है, माइनस साइन को मत बोलिएगा, ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3X माइनस एक्स क्या आएगा 2X आएगा, तो 2 साइन एक्स आ गया इनटू साइन 3X प्लस एक्स 4X साइन 4X अपॉन टू साइन 2X आ गया इनटू कॉस एक्स इनटू कॉस एक्स, बेटा यहाँ 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, 2 साइन एक्स साइन 2x इंटू कॉस एक्स, ये जो वैल्यू लिखी हुई है फर्स्ट टर्म ऑल टर्म मल्टीप्लाई में है, सेकेंड टर्म भी मल्टीप्लीकेशन में है, क्वांटिटी सेम साइन अपोजिट क्या हो जाएंगे कैंसिल, फाइनली क्या हो गया जीरो। इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, बस जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन था LHS दे करके यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ से कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ पे जो साइन ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का यूज करना है फॉर्मूला साइड में लिखना है और उसको अप्लाई कर देना है, और आप खुद ही देखोगे कि यार यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन क्वांटिटी सेम साइन अपोजिट तो क्या हो जाएगा कैंसिल, ओके क्लियर। चलिए क्वेश्चन हो जाएगा तो कमेंट में लिख दिया करो तुरंत, ठीक है, कहना ना पड़े, ओके ठीक है, मतलब पूछ रहे हो अलग बात है, बट आप जैसे क्वेश्चन कोई भी हो जाए, ठीक है, जितने भी लोग लाइव हैं इस समय, ठीक है, जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स दे, है ना, कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा सा सही अच्छा लगता है ना कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हमको ये लगे कि बस हम ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम ही सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग टू मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, तो टू मेथड से करने का मतलब क्या कि अगर आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर लो तब भी हो जाएगा, या अदर मेथड है, तो पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिखता हूँ बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थ्री, कॉस एक्स प्लस का कॉस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्क्वायर इक्वल टू फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का वाई अपॉन टू, ठीक है, क्लियर है। आप देखो बेटा यहाँ पे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सिंगल टर्म आ रहा है, बहुत ही लॉजिकली अगर सोचा जाए कि यार यहाँ पे तो कॉस ए प्लस कॉस बी लगा दें, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी लगा दें तो क्या मिलेगा, बिल्कुल सही, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो एकदम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और बिना विलंब किए, ठीक है, बिना लेट किए आप तुरंत यहाँ पे कॉस ए प्लस बी लगाइए और साइन ए माइनस बी लगाइए, जैसे लगाएंगे आप खुद ही देखेंगे कि जो प्रूफ करना है वो रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। तो मैंने LHS लिया और LHS में कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ओके, प्लस साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, फर्स्ट वाला कॉस होता है, सेकेंड वाला लॉस सेकेंड वाला साइन होता है, मतलब टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ओके क्लियर है, मतलब कॉस ए प्लस कॉस बी बोथ फंक्शन किसके रहेंगे, बोथ मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री रहेंगे फंक्शन वो कॉस में रहेंगे, साइन ए माइनस साइन बी में बेटा पहले वाला कॉस करेगा, सेकंड वाला किसका रहेगा साइन का, ओके इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ से क्या है, ये इंटू में टू इंटू दिस इंटू दिस, ये एक्सपोनेंट लगा हुआ टू,
ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पावर है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, यहाँ बेटा क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का वाई अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का वाई अपॉन 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का वाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस का वाई अपॉन 2। ओके क्लियर है, इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन क्या है, 4 कॉमन मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉमन मिलेगा। देखो दोनों में ध्यान से देखिएगा, सबकी नजर यहाँ बोर्ड पे होनी चाहिए भैया, ये 4 कॉमन है ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉमन है इज इक्वल टू, तो बचेगा क्या, जो बचा उसको लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस यहाँ से क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। और जैसे ही लिख रहा है ना यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, यार ये तो आइडेंटिटी है, क्यों, ये तो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 टेंथ क्लास में पढ़ा जाता है, क्यों, ट्रिग्नोमेट्री में टेंथ में बेसिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो गया 1, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू 1, तो बेटा क्या आ गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का वाई अपॉन 2 आर एच एस आ गया। ओके क्लियर है, तो सिंपल सा था, एल एच एल लेकर के बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके बाद कॉमन ले लीजिएगा, जो भी प्रूव करना होगा आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, चलिए तो हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बस ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें कुछ और प्रूव करना है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, सेम मतलब क्या, बस डेटा चेंज है बस, ठीक है, डेटा चेंज है बस, बाकी यहाँ पे फॉर्मूला दूसरा लग जाएगा। ओके और देखिए अदर मेथड क्या बता रहा था मैं, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, उसके बाद फिर जो भी चीजें निकल के आएंगी सामने से, ठीक है, वहां पे फॉर्मूला वगैरह बन जाएगा, थोड़ा सा एक दो स्टेप और बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या दे रखा है, कॉस एक्स माइनस का कॉस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ओके ये प्रूव करना है, ठीक है, देखिए सेम वैसे उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कॉस ए माइनस कॉस बी, आपको पता है ना कॉस ए माइनस कॉस बी में दोनों फंक्शन साइन के होते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लो, तो LHS मैंने ले लिया LHS, तो cos a cos b क्या होता है माइनस 2 sin x माइनस y अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस का वाई अपॉन 2, क्लियर है, होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस sin b क्या होगा, sin a माइनस sin b अभी तो बताया, sin a माइनस sin b में क्या होगा 2 cos a प्लस b बाई 2, 2 cos a प्लस b बाई 2, यहाँ क्या आएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ओके होल स्क्वायर, हमने यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ पे हमने यूज किया cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, यहाँ पे sin a माइनस sin b का फॉर्मूला यूज कर लिया, एकदम इजी है कि नहीं। अब देखो यहाँ से बेटा क्या करना है, फिर वही बात, ये निगेटिव है, निगेटिव पे स्क्वायर करना है, तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर तो क्या होगा पॉजिटिव ही तो होगा, यहाँ से क्या जाएगा 4 sin स्क्वायर x माइनस का वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस का वाई अपॉन प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस का y अपॉन 2, क्लियर है, देखो स्क्वायर भाई यहाँ पे क्या है, जब 2 इंटू दिस है, पावर 2 है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देखो यहाँ से क्या है, फिर कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है साइन 4 साइन स्क्वायर दिस 4 साइन स्क्वायर दिस, तो क्या जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का वाई अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो स्क्वायर छूट गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड यहाँ से क्या बचा कॉस, ये टर्म बच रहा है, ये यहाँ टिक कर दे रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ओके क्लियर है कंफर्म, आप देखो यहाँ से ये सीधा सीधा दिख रहा है, ये जो थीटा लिखा हुआ है ना x प्लस वाई अपॉन 2 x प्लस वाई अपॉन 2 बोथ आर सेम, इट मींस यूजिंग द आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो इन प्लेस ऑफ फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू दिया गया इन टू वन, और ये तो क्या हो गया फाइनली वन। ये फॉर्मूला साइड में लिख देंगे यहाँ पे, ओके ये फॉर्मूला साइड में लिखना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और ये अब इसको वन से मल्टीप्लाई करो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, एक्स माइनस का वाई अपॉन में टू। क्लियर है? कितना ये क्वेश्चन था, दोनों सेम पैटर्न पे थे कि नहीं थे? बस वहां पे फॉर्मूला दूसरे लगाने थे, यहाँ पे दूसरा, ठीक है। इजीली कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद आपको यहाँ पे 10th क्लास की आइडेंटिटी लग रही, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? यस और नो? जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 4 तक हो गया, ठीक। 5 में क्वेश्चन क्या है लिखते हैं बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव करना है बेटा। देखो साइन एक्स प्लस साइन 3x साइन 5x प्लस साइन x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x साइन 4x, ठीक है, क्लियर, ओके। तो देखो यहां से क्या है, ये जितने भी LHS में 4 टर्म है, LHS में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 4 टर्म हैं, तो यहाँ पे सब प्लस में है, और RHS में आल टर्म इन इनटू आल टर्म मल्टीप्लाई में है। तो बेटा यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ से LHS ले लीजिए, ठीक है, LHS में क्या लिया, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x और प्लस साइन 7x। थोड़ा सा प्रूविंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ये 2x है, ये 4x है, तो यहाँ पे एज इट इज ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ी सी बुद्धि लगाना, ये वाला टर्म इसके साथ ले लो, ये इसके साथ रीअरेंज करना पड़ेगा, साइन एक्स लास्ट वाला था इसके साथ ले लो, इससे क्या फायदा है? आप लोग सोच रहे होंगे ना क्या फायदा है सर, देखो किसी को किसी के साथ ले ले, नहीं ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग टर्म की शिफ्टिंग कर रहे हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, जब आप एंगल को ऐड करोगे, एंगल को क्या करोगे ऐड, बेटा जब एंगल को ऐड करोगे तो x प्लस 7 क्या होगा 8, और 8 अपॉन 2 क्या होगा 4, मतलब 4 यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अकल लगाना कि जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत सेंस होना चाहिए कि हाँ हमको कैसे थिंक करना है, ओके। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू ए प्लस बी बाई टू इन टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, क्लियर है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन 3x प्लस का 5x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस का 5x अपॉन में 2, क्लियर भाई। साइन ए प्लस साइन बी का सिंपल सा मैंने फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, तो पहले साइन का होता है फिर कॉस फिर यहाँ पे साइन कॉस। अब देखिए x प्लस 7 कितना होगा 8x, तो 8x अपॉन 2 क्या होगा 2 साइन 4x, एक्स माइनस 7x क्या होगा माइनस सिक्स एक्स होगा, और यहाँ पे कॉस क्या आएगा माइनस का 3x आएगा, ओके, प्लस 2 कॉस 3 ये कितना आएगा 2 साइन 4x इंटू 3x माइनस 5x कॉस का माइनस 2x माइनस 2x अपॉन 2 कॉस माइनस का x, ओके। यहाँ देखो कॉस माइनस थीटा कॉस माइनस हजम कर जाता है, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे माइनस नली करके प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ साइड में यहाँ भैया बता देना कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, क्लियर है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉस थीटा, ओके। देखो यहाँ से क्या है 2 साइन 4x इनटू दिस, अब दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन बेटा दिख रहा होगा यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है 2 साइन 4x, ये 2 साइन 4x दोनों में कॉमन है, तो बहुत ही अच्छी बात है दोनों में कॉमन है, आप दोनों में कॉमन ले लीजिए, ये सब चीजें देखना ही है ना, कैलकुलेशन करना है
फिर मेरे को देखना कुछ कॉमन ऑमन तो नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद विद इन ब्रैकेट क्या बच रहा है, साइन कॉस 3x और प्लस कॉस एक्स बच रहा है, बच रहा है कि नहीं दिख रहा होगा आपको। फिर एक्चुअली में आरएचएस में सब इंटू में आ रहा है, तो हमने कहा इनको प्लस में क्यों छोड़ू, इनपे भी मैं अप्लाई करूंगा कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन 4x, यहाँ पे देखो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस 3x माइनस का x अपॉन में 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, टू साइन 4x इंटू 3 प्लस 1 क्या आएगा 4, 4 का हाफ कितना होता है 2 cos 2x इंटू 3x माइनस x 2x आएगा, 2x अपॉन 2 cos x आएगा। तो देखो यहाँ पे ये नंबर तो इससे मल्टीप्लाई जाएगा ना, 2 2 जा 4 साइन 4x इंटू cos 2x इंटू cos x, ठीक है। आरएचएस में क्या है 4 आ रहा है, cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x, ठीक है। तो एलएचएस को मैंने लिया सॉल्व किया, प्लस से इनटू वाले फॉर्मूले यूज किए कॉमन लिया, फिर अगेन फॉर्मूला यूज किया, तो यहाँ जैसे अगेन फॉर्मूला यूज किया प्रूफ हो गया, जो भी प्रूफ करना आपके सामने आ गया, क्लियर है, ओके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन क्या है उसको लिखते हैं, ये भी प्रूविंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस का साइन 3x ओके अपॉन कॉस 7x प्लस का कॉस 5x प्लस cos 9x plus cos 3x equal to tan 6x, okay? tan 6x के equal prove करना है। देखिए ध्यान से, LHS में यहाँ पे टर्म गिवन है, क्या टर्म गिवन है 7 plus 5, यहाँ पे 9 plus 3, अच्छा RHS में देखो यार 6 दे रखा है, तो 6 अगर देखा जाए तो किसका हाफ होता है, 12 का हाफ होता है। तो क्या यहाँ पे जो पेयर दे रखे हैं, जैसे अभी इसके पहले मैंने कुछ क्वेश्चन में पेयर जो टर्म लिखे हुए थे उसको मैंने रीअरेंज किया, कहीं ना कहीं से लेकर के एक साथ कर रहे थे, बट यहाँ पे देखो ये इसके साथ लिखा हुआ है, तो क्या इसको इसके साथ लेना, मतलब जो लिखा हुआ सही तरीके से है या उसमें फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का रिजल्ट सही आएगा या गलत आएगा। देखिएगा ध्यान से, 7 प्लस 5 12, ठीक है, यहाँ पे 9 प्लस 3 12, 9 प्लस 3 12, 7 प्लस 5 12, इसमें 12 तो आ ही रहा है, अगर मैं एंगल को ऐड कर रहा हूं तो 12 आ रहा है, अपॉन 2 करेंगे, जैसे ही अपॉन 2 करेंगे तो यहां से क्या जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, हम लोग इसको लेकर के जो यहाँ पे टर्म जिसके साथ लिखा हुआ उसका पेयर हम लोग ले सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहां से देखिए हम लोग LHS लिए, LHS लेने के बाद फॉर्मूला लगा दें, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, टू साइन, ठीक है, 7x प्लस का 5x अपॉन में 2 इंटू कॉस 7x माइनस का 5x अपॉन 2 प्लस देखो यहाँ पे 2 साइन 9x प्लस का 3x अपॉन में 2 इंटू कॉस 9x माइनस का 3x अपॉन में 2, क्लियर है भाई, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाया न्यूमरेटर में, ओके। अब यही कुछ डिनोमिनेटर में मैं करने वाला हूं, डिनोमिनेटर में कॉस दे रखा है और cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b मतलब 7x प्लस का 5x अपॉन में 2 इंटू cos 7x माइनस का 5x अपॉन में 2 प्लस यहाँ पे देखो 2 cos 9x प्लस का 3x अपॉन में 2 इंटू cos 9x माइनस का 3x अपॉन में 2, क्लियर है, ओके, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, बाकी की जो कैलकुलेशन है ऐड करके बाय टू से डिवाइड करके रिजल्ट देखेंगे, है ना। इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं करने वाला हूँ मैं। देखो यहाँ पे 7 + 5 कितना होगा 12, और 12 × 2 क्या होगा 6, तो 2 sin 6x इंटू 7 - 5 क्या होगा 2, तो cos 2x/2 क्या आएगा cos x आ जाएगा, प्लस 2 यहाँ पे देखिए 9 + 3 12, तो sin 6x आ गया 12/2 6x, 9 - 3 6 आया, तो 6 का आधा कितना होता है 3x आता है, ओके अपॉन यहाँ पे सेम एडिटिव डिनोमिनेटर में करना है ऐड करके बाय 2, तो cos 6x आ गया, यहाँ पे 7 - 5 2 आया, 2 का हाफ कितना आया x, तो cos x आ गया, प्लस 2 cos 9 + 3 कितना आएगा 12, तो 12/2 कितना आएगा cos 6x आया, इंटू 9 - 3 क्या आएगा 6, 6 का हाफ कितना होता है cos 3x आया, क्लियर ओके समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं यहाँ पे मैथ लगा यार, बस ऐड करके बाय 2 किया, सब्ट्रैक्ट करके बाय 2 किया बस, ओके। आप देखो यहाँ पे कॉमन देखते हैं क्या है, 2 common sin 6x कॉमन, देखो 2 cos x कॉमन, 2 cos 6x एंड 2 cos 6x, तो 2 sin 6x कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो फाइनली लेफ्ट टर्म cos x + cos 3x अपॉन 2 cos 6x कॉमन, डिनोमिनेटर cos x + cos 3x। और जैसे मैंने कॉमन लिया ना, आपको रियलिटी में दिख रहा होगा अरे 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, जो विद इन ब्रैकेट है ना cos x + cos 3x या cos x + cos 3x वो था सेम, इट मींस दिस इज द आल्सो कैंसिल आउट टू इच अदर, ओके। यहाँ से क्या जाएगा sin 6, फाइनली लेफ्ट टर्म sin 6 / cos 6 cos, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके क्लियर। ठीक है, अब इसी तरह से कुछ क्वेश्चन नंबर 7 भी दे रखा है ना। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ठीक, sin 3x + sin 2x माइनस का sin x इक्वल टू 4 sin x cos x/2 इंटू cos 3x/2, ओके। ये देखिए क्वेश्चन, देखो यहाँ पे फिर वही है, यहाँ पे 3 टर्म है प्लस में और RHS में क्या आ रहा है इंटू में आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है कि कौन सा टर्म किसके साथ लिया जाए, तो थोड़ा सा एज्यूम करेंगे जैसे यहाँ पे x आ रहा है और x/2 3x/2, ठीक है, तो अब x यहाँ पे ठीक है, और 3 + 2 कितना होगा 5 आएगा, 3 + 2 कितना 5 आएगा, 3 - x x/2 आएगा। ठीक है, अगर हम लोग एज इट इज इसको ऐसे रहने दें, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 का तो पेयर ले लेंगे बाकी एक सिंगल बचेगा, साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, sin x = 2 sin x/2 × cos x/2, ध्यान से देखिएगा बेटा, एलएचएस ले लिया, अगर एज इट इज रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, देखता हूँ माइनस का साइन एक्स, इसमें फॉर्मूला लगाया 2 sin 3x + 2x/2 × cos 3x - 2x/2 कितना 2 माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x/2 × cos x/2, ओके। देखो यहाँ से क्या आएगा 2 3 + 2 5, तो sin 5x आ गया, 5x/2, 3 - 2 cos x/2 आ गया, माइनस का 2 sin x/2 × cos x/2, तो 2 cos 2 common cos common 2 common cos common, तो 2 cos x/2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बता बेटा, ध्यान देखिएगा यहाँ पे 2 cos x/2 कॉमन ले लिया, जब 2 cos x/2 कॉमन मेरा हो गया है तो यहाँ पे sin 5x/2 माइनस का sin x/2, क्लियर, क्योंकि एक टर्म आ रहा था कॉमन, cos x/2 तो आ गया, 2 भी आ गया, अब यहां से ये बचना चाहिए, सॉरी
कॉस एक्स बाई टू कॉमन, हाँ गलत हो गया, कॉस एक्स बाई टू कॉमन तो आ गया। देखो यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू क्या हो गया, कॉमन। अब बाकी तो मैं देख लेता हूँ, एक टर्म में तो आ ही गया ना, फोर आना चाहिए। देखो यहाँ पे विद इन ब्रेकेट साइन फाइव एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू आया। ओके यहाँ से फाइनली क्या हो गया देखिए जरा, टू कॉस एक्स बाई टू, देखो यहाँ से टू साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, टू टू कॉस ए प्लस बी मीन्स फाइव एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू अपान में टू इंटू साइन फाइव एक्स बाई टू माइनस का एक्स बाई टू अपान में टू। क्लियर है, समझ में आ गए हो, कोई दिक्कत नहीं, मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे। अब देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम, इन दोनों का क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो बेटा इन दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में ऐसे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू कॉस फाइव प्लस वन क्या आएगा सिक्स एक्स अपॉन टू। तो यहाँ पे देखो ये टू तो रहेगा ही रहेगा, टू इंटू टू बचा, ये टू पहले ये बाई टू वाला है ये तो रहेगा ही रहेगा, ये इसका इंटू साइन फाइव एक्स माइनस एक्स क्या आएगा फोर एक्स अपॉन में टू इंटू टू। क्लियर है, देखो यहाँ पे ये फोर कैंसिल, टू थ्री या सिक्स। ओके देखो ये टू इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, टू टू या फोर कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस थ्री एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स। ओके तो फोर कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस थ्री एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स, फाइनली जो भी प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है, ओके क्लियर है। हाँ कुछ स्टूडेंट होंगे जो इस वाले को इसके साथ, सॉरी साइन थ्री को छोड़ देंगे, इसको इसके साथ ले लेंगे तब भी आ जाएगा। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर टर्म को, जैसे एक तो ये मेथड हो गया, अदर मेथड ये अगर इसको अकेले छोड़ दो, इन दोनों के साथ यूज कर लो, फिर बाद में साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या साइन थ्री एक्स बाई टू इंटू कॉस थ्री एक्स बाई कॉस थ्री एक्स बाई टू। ओके कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस मेथड सही होना चाहिए और फिर जो प्रूफ करना है वो भी सही तरीके से आपको वहां पे दिखाइए। फॉर्मूला वगैरह जो भी यूज हो रहा है यहाँ पे मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, राइट साइड में लिखना कंपलसरी होता है, इसे समझ लीजिएगा, ये हैबिट में होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं सर एग्जाम में लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता है, अगर हैबिट में रहेगा तब भी आप एग्जाम में लिखोगे, अदरवाइज फिर वहां पे एग्जाम में फिर वही होगा जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन करके चले आओगे। अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया ना तो फिर फॉर्मूला अगर आपने नहीं लिखा है तो नंबर कट जाएंगे, फिर नहीं मिलेंगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उसके भी आपको नंबर दे देंगे। ओके चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कुछ हुए हैं लेकिन वो हाफ एंगल के क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक भी चलेगा, बाकी आइडेंटिटी वगैरह तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि फॉर्मूले वगैरह जितने भी हैं, जितने भी यूजफुल फॉर्मूले थे मैंने आपको जब सेकंड लेक्चर दिया था तो आपको उसमें अच्छे से सब सारी चीजें बता दी थी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आज देख लीजिए, आज के बाद कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है, फाइंड साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन समझना है बस। ठीक है, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस का फोर अपॉन थ्री, एक्स कहां पे है, एक्स इन क्वाड्रेंट, एक्स इन क्वाड्रेंट सेकंड, एक्स इन क्वाड्रेंट सेकंड। ओके क्लियर है, तो टेन एक्स आपका क्या है माइनस फोर अपॉन थ्री, टेन एक्स क्या है माइनस फोर अपॉन थ्री, ध्यान देखिएगा, और ये एक्स बाय टू निकालना है। अब जानते हो अभी तक जो इसके पहले आपने प्रॉब्लम किया होगा, यहाँ एक्स दे रखा और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना था, ये वो तो बहुत इजी होता है, मैंने वैसे बताया था कि टेन एक्स यहाँ पे क्या है माइनस फोर अपॉन थ्री सेकेंड में है, तो सेकेंड में टेन एक्स निगेटिव, सेकेंड क्वार्टर में टेन एक्स निगेटिव, एसटीसी रूल याद करो, सारी चीजें बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एसटीसी सेकंड में टेन निगेटिव, यहाँ पे सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अलग यहाँ पे बाई टू निकालना, और जहां बाई टू निकालना तहां फिर कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, इसीलिए बच्चा गलत कर देता है। तो देखो यहाँ साइन एक्स चाहिए और कॉसेक चाहिए, मतलब बाई टू चाहिए, तो इसका क्या मतलब है,
साइन एक्स बाई टू हाफ एंगल फॉर्मूला किसी ना किसी मतलब फॉर्मूले में ही आया होगा हाफ एंगल, ठीक है। तो देखो यहाँ से बेटा क्या है, तो देखिए कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, देखो टू का स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का वन, मतलब कॉस थीटा बाई टू इक्वल टू क्या होगा, वन प्लस कॉस थीटा बाई टू, और साइन थीटा बाई टू क्या होगा, वन माइनस साइन सॉरी वन माइनस कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। चलिए ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया, और आपको ये डायरेक्ट भी मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने से इतना सा फायदा है ना, आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा, और कोई ज्यादा फायदा नहीं है, एग्जाम में आपका टाइम बचा लेगा अगर ये डायरेक्ट, नहीं तो बाहर फॉर्मूला लिखोगे कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, फिर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपका टाइम ज्यादा नहीं लगना है, आपको समय बचाना है, समय की कीमत को समझिए जरा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चक्कर है, तो आपको दिख रहा होगा कॉस थीटा बाय टू साइन थीटा बाय टू कैसे निकलेगा, जब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, और उसके लिए कहानी दे रखी है, टैन दे रखा है। तो सोचो टैन दे रखा है, तो हम लोग अगर देखा जाए कि कॉस निकालना है, सोचो पहले अगर टैन एक्स सेकेंड में है तो कॉस एक्स सेकेंड में क्या होता है, आपने कहा था कॉस एक्स तो निगेटिव होता है, कैसे होता है, देखो एएसटीसी रूल क्या कहता है, एएसटीसी अच्छे समझिएगा, जिंदगी में भूलोगे नहीं, जैसे बता दे रहा हूं, अगर टैन एक्स सेकेंड में है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है कि नहीं होता है, सेकेंड में तो कॉस एक्स निगेटिव होता है, तो टैन का सेक के साथ रिलेशन है वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और जैसे सेक आएगा उसका उल्टा कर दो कॉस आ जाएगा, इतनी तो बात सबके हजम हो गई होगी, ठीक है। अच्छा अभी हमने ऊपर नहीं देखा, अब ऊपर मुलाकात की, हमने कहा इनके बारे में तो थोड़ा एनालिसिस कर लिया जाए, ये कह रहे हैं हम सेकेंड में है, तो सेकेंड की कंडीशन क्या है, मतलब 90 से ज्यादा और 180 से कम, अगर कोई भी एंगल सेकेंड में है, यार देखो ये लाइन है तो ये फर्स्ट में हो गया, 90 से ज्यादा और 180 से कम तो सेकेंड में ही तो रहेगा, ये ऊपर कह रहे हैं हम बाई टू हैं, ठीक है, बाई टू, तो आपने कहा था इन दोनों को दो से डिवाइड कर दो, अगर पॉजिटिव नंबर से अगर दो से डिवाइड करते हो तो आपको बताया गया इनइक्वालिटी चैप्टर में, इन इक्वेशन में इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 45 डिग्री आएगा एक्स बाय टू लेस देन 90 आ गया, अरे सर ये तो चौपट हो गया, कितना अच्छा आ गया, देखो यहाँ पे एक्स वाला सेकेंड में तो एक्स बाई टू वाला कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट में, इससे ये पता चलता है कि साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू टेन एक्स बाय टू थ्री क्वांटिटीज क्या होंगे, मतलब फर्स्ट में आ गए तो ऑल पॉजिटिव, पहले मेरे को कैलकुलेशन करना है इसकी कॉस की, कॉस से बाई टू आएगा और साइन और कॉस का रेशियो क्या होता है, टेन एक्स होता है, इतना जरूर समझ में आपको आया होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है, टेन एक्स है तो यूजिंग आइडेंटिटी वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, बहुत ही फास्ट देखना है यहाँ पे बेटा, माइनस फोर अपॉन थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे वन प्लस सिक्सटीन अपॉन नाइन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये पच्चीस बटे नाइन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा, नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कॉस इक्वल टू प्लस माइनस नाइन अपॉन सॉरी थ्री अपॉन फाइव, प्लस माइनस लगा दिया, समझिएगा ध्यान से, प्लस माइनस लगा दिया थ्री अपॉन फाइव, तो थ्री अपॉन फाइव मीन्स, आप देखो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया यार सेकेंड में है तो सेकेंड में कॉस निगेटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस माइनस दे रखा है, तो यहाँ पे कॉस एक्स क्या लेना है, निगेटिव, मतलब कॉस एक्स टेक कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का थ्री अपॉन फाइव, यस और नो, क्योंकि क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे कॉस एक्स निगेटिव लेना है तो लेना है। अब देखिए बाकी तो इनका मैंने पहले से डिफाइन कर दिया, अगर ये एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स बाय टू फर्स्ट में आ जाएगा, इट मीन साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू टेन एक्स बाय टू क्या होगा, पॉजिटिव, ओके क्लियर कंफर्म। चलिए तो इतना समझ में आ गया, तो मतलब ये कॉस एक्स डिफाइन होगा कि ये, अब देखो इस फॉर्मूले का यूज करो, कॉस एक्स बाय टू कितना आएगा भैया, वन कॉस एक्स क्या है थ्री बाय टू, तो ये माइनस प्लस था तो माइनस का थ्री बाय फाइव हो गया, अपान में टू तो कितना आ गया बेटा, फाइव इंजा फाइव फाइव माइनस का थ्री अपान में फाइव इंटू टू, तो ये फाइव माइनस थ्री टू आएगा, टू अपान फाइव,
अपॉन टू इंटू फाइव, तो टू से टू कैंसिल, तो कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन अपॉन रूट फाइव। क्लियर है? पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव है निगेटिव? सर पॉजिटिव है। क्यों आएगा पॉजिटिव? कि सर एक्स बाय टू तो फर्स्ट में आता है, और फर्स्ट में आता है तो ऑल पॉजिटिव। ओके क्लियर। ओके तो देखो यहाँ पे सेकंड साइन एक्स बाय टू की हम बात करते हैं। साइन एक्स बाय टू अगर बात किया हमने, यहाँ से क्या है वन माइनस कॉस कॉस थीटा, यहाँ माइनस पहले से फॉर्मूले में लगा हुआ है, और कॉस की रियलिटी में वैल्यू माइनस में पुटअप करना है, इसका मतलब माइनस पहले से है, माइनस पुटअप करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपॉन में टू। यहाँ तो क्या आएगा, देखो एलसीएम ले लीजिए, अरे इतना तो पता होगा यार, 5 + 3 8 हो गया, 5 × 2 2 2 4 जा दिस, है ना, 2 अपॉन रूट 5 आ गया। इसी तरह साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू वन अपॉन रूट फाइव, और साइन एक्स बाय टू 2 अपॉन रूट 5, बचा क्या टेन एक्स बाय टू। टेन एक्स बाय टू किसका रेशियो होता है सर, साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू। यहाँ से देखो क्या आएगा, टेन एक्स बाय टू दिस इज द रेशियो ऑफ साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू, तो टेन एक्स बाय टू क्या है, साइन एक्स बाय टू 2 अपॉन रूट 5, यहाँ पे बाय टू किया तो 1 अपॉन रूट 5 इधर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कुल मिलाकर के क्या आ गया टेन एक्स बाय टू इज इक्वल टू 2। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए। अदिति बताइए बेटा, तुरंत बताइए फटाक से, अभी आ रहा भी तो क्वेश्चन और अभी समझाएंगे फिर उसको, ठीक है? कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखिए, अगर समझ में आया तो यस। क्लियर है? ओके कंफर्म? चलिए ठीक है। तो अब देखिए सेम अभी जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, सही सेम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर इतनी चीजें बोलूंगा, यही बोर्ड पे करूंगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ओके ठीक है। इसमें देखिए ऐसा नहीं, क्वेश्चन गलत इसलिए बच्चे कर देते हैं क्योंकि तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि यहाँ कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेना है, कौन सी निगेटिव लेना है, क्या है कैसे है, ठीक है? तो वो सारी चीजें मैंने बता दी है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें तो कॉस एक्स दे रखा है, इसका मतलब कोई लफड़ा ही नहीं, क्यों? क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू अगर मैं साइन एक्स बाय टू निकालता हूँ या कॉस एक्स बाय टू, तो उसके लिए हमको कॉस एक्स चाहिए चाहिए होता है। ये किस क्वाड्रेंट में है, इन क्वाड्रेंट थर्ड, इन क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे लॉजिक समझिएगा, थर्ड मीन्स फिर देखो यहाँ पे बना रहा डायग्राम ASTC, थर्ड मीन्स ये वाला, मतलब एक्स की औकात 180 से ज्यादा है, 180 से क्या है ज्यादा, और 270 से कम, इसी में है ना, तो 180 से ज्यादा और 270 से लेस, इतना क्लियर हो रहा होगा। अब एक्स बाई टू करो तो क्या आएगा, ये 90 आ गया, मतलब यहाँ पे इस इनक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 90 आया, और यहाँ से क्या आएगा, 2 1 2 2 3 6 2 5 10, 90 से ज्यादा 135 से कम, मतलब एक ऐसी वैल्यू ये 90 से ग्रेटर 130 से 5 से लेस, तो इसका मतलब सेकंड में आ गया, और जैसे सेकंड में आया तो आपने कहा था सेकंड में साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, तो साइन पॉजिटिव हो गया कॉस निगेटिव हो गया, तो साइन अपॉन कॉस का रेशियो भी क्या हो गया टेन निगेटिव हो गया, ठीक है? तो देखो यहाँ से क्या करना है, इसका तो समझ गए, यहाँ पे साइन एक्स बाय टू यहाँ पे लिख दीजिएगा, इन ये रीजन थोड़ा लिखना है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सॉरी दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है एक्स बाय टू, इट मीन्स ये कहाँ पे आ जाएगा, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा बेटा तो साइन एक्स बाय टू पॉजिटिव, कॉस एक्स बाय टू निगेटिव, टेन एक्स बाय टू ऑल्सो निगेटिव। क्लियर है? टेन एक्स बाय टू ऑल्सो निगेटिव। ओके अब देखो बेटा क्या करना है, साइन एक्स बाय टू है, साइन एक्स बाय टू का फॉर्मूला क्या बताया है, 1 - cos x / 2, cos x क्या है -1/3, यहाँ पे 1 + 1/3 हो जाएगा अपॉन में 2, कितना आएगा बेटा 3 * 3 = 4/6, 2 * 2 = 4 2 * 3 = 10, तो साइन एक्स अपॉन टू की वैल्यू क्या आ गई, रूट में 2/3 आ गई, प्लस आएगी माइनस पहले से डिफाइंड है, प्लस आएगा, ठीक है? ये सब पहले से डिफाइंड है, क्या आएगा प्लस। ओके
अच्छा अब देखो कॉस एक्स बाय टू, तो यहाँ पे पहले ही माइनस लिख लो, क्यों? क्योंकि वी नो दैट इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस एक्स बाय टू इज निगेटिव, मतलब कॉस की वैल्यू क्या होगी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, निगेटिव होगी। देखिएगा यहाँ से कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस कॉस एक्स अपॉन में टू, तो वन प्लस कॉस, प्लस का साइन लगाया, कॉस की औकात कितनी है जरा, माइनस वन अपॉन थ्री, तो यहाँ पे माइनस वन अपॉन थ्री कर लिया अपॉन में टू, फाइनली कितना आ गया, थ्री वन या थ्री, थ्री माइनस वन टू अपॉन थ्री इंटू टू, टू से टू कैंसिल, वन अपॉन रूट थ्री, क्लियर है? कॉस एक्स बाय टू मैंने पहले से निगेटिव लगा दिया क्योंकि मेरे को पहले से पता है यार कॉस तो निगेटिव आएगा ही आएगा ना, साइन तो पॉजिटिव लिखा कि नहीं लिखा, अरे इसके पहले कुछ नहीं लिखा, तो कुछ नहीं होता तो क्या होता है, प्लस होता है, और कॉस एक्स बाय टू क्या है, वन अपॉन रूट थ्री है, यस और नो? अब देखो टेन एक्स बाय टू क्या होगा, साइन एक्स अपॉन टू अपॉन कॉस एक्स अपॉन टू, ये निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही, ये निगेटिव होगा, निगेटिव को होगा, अरे भैया साइन पॉजिटिव में कॉस निगेटिव में, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, निगेटिव में, वैसे ही पता यार इन सेकेंड क्वाड्रेंट टेन एक्स ऑल्सो निगेटिव, तो यहाँ से साइन एक्स, साइन कितना है, साइन 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 टू, टू अपॉन रूट थ्री माइनस माइनस, यहाँ देखो माइनस छूट गया, माइनस 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 वन अपॉन रूट थ्री, क्लियर है? फाइनली क्या हो गया, टेन एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू रूट टू अपॉन में थ्री, यहाँ पे रूट थ्री लिख लो, अलग अलग कर लो, ओके, तो इससे कैंसिल हो गया, तो टेन एक्स अपॉन रूट टू क्या आ जाएगा, माइनस का रूट टू आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट? महाजन वर्मा कम लिख रहे, यस सर, ठीक है, चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है सेम, बस क्या लिखा हुआ उसको मैं बताता हूँ। हाँ, टेन जो क्वेश्चन नंबर, ये आपका तो कौन सा था, क्वेश्चन नंबर नाइन, ठीक है, क्लियर है बेटा? आदित्य यस और नो? चलिए अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिख दो भैया अगर समझ में आ रहा है क्लास, ठीक है, जितने भी लोग लाइव हैं कम से कम वीडियो को शेयर कर दें, क्वेश्चन नंबर 10 बस, ठीक है, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के है, ओके, तो ध्यान समझिएगा, सारे टर्म फिर वही यूज होने वाले हैं, आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है टेन एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, ओके, क्लियर? तो यहाँ से गिवन है, गिवन दैट साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ वन अपॉन फोर, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखो यहाँ पे लिख दिया सेकेंड क्वाड्रेंट, ध्यान देखिएगा बेटा, सेकेंड बोल दिया ना, सेकेंड मीन्स एक्स सेकेंड में है, सेकेंड में है, साइन तो पॉजिटिव होता ही होता है, कॉस क्या होता है, निगेटिव, कॉस की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूले में कॉस एक्स आता है, इसलिए कॉस हमको निकालना पड़ेगा, उसके बगैर हमारा काम नहीं होने वाला है, ठीक है, ओके, तो देखो यहां से क्या करना है, साइन एक्स पता है, तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस एक्स इज निगेटिव, हमको कॉस की जरूरत पड़ेगी, आप अच्छे से लिख दे भैया, कॉस एक्स निगेटिव, ठीक है, एस टी रूल के अकॉर्डिंग कॉस एक्स निगेटिव, ओके, देखो यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन इन प्लेस ऑफ साइन एक्स वन अपॉन फोर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन सिक्सटीन इज इक्वल टू रूट फिफ्टीन अपॉन में फोर, अभी रूट फिफ्टीन मत लिखो, फिफ्टीन अपॉन में सिक्सटीन, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, रूट फिफ्टीन अपॉन में फोर, क्लियर है, यस और नो? कॉस एक्स आया, रूट फिफ्टीन अपॉन फोर आया, ठीक है, बट यहाँ पे क्या लेना है, कॉस एक्स निगेटिव पॉजिटिव, सर कॉस एक्स निगेटिव होगा क्योंकि सेकंड में है, तो देखो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लोगे तो यहाँ पे निगेटिव साइन ले लीजिएगा, क्योंकि वहां पे टू वैल्यूज आएंगी, वन पॉजिटिव अदर इज निगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि सेकंड में आया तो सेकंड में क्या होगा, निगेटिव होगा, पहले से डिफाइंड हो गया, अच्छा ये आ गया, तो कॉस एक्स ही क्यों निकालते हैं बार बार, समझिएगा बार बार, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन चल रहा है उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के। अब देखो अगर आपको पता है कि यार कॉस एक्स बाई टू निकालना है, तो
क्या आता है, 1 cos x/2 आता है, ठीक है। अरे यार इससे अगर परेशान हो, ठीक है, कि ये कैसे आ गया, तो कंफ्यूज मत होइए। कॉस थीटा क्या होता है, 2 cos square theta by 2 - 1, इसको इधर लाओगे तो 1 cos theta आ जाएगा इक्वल टू 2 cos square theta by 2। यहाँ पे कॉस थीटा बाई टू क्या आएगा, 1 cos theta / 2 रूट ले लो, ठीक है। इसलिए याद कर लेना, याद करने से क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, ठीक है। बस आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, cos x/2। अच्छा एक चीज और देख लो भैया, ये सेकंड में है, ये चिल्ला रहे हम सेकंड में है, तो मैं कहा सेकंड का मतलब क्या होता है, हमको नहीं समझ में आ रहा, बताइए क्या होता है भाई। इस चीज को कहता है कि सेकंड में कोई चीज है तो ये 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा, होगा होगा, ठीक है। सेकंड का मतलब ये होता है, तो मैं कहा अच्छा सेकंड का मतलब ये होता है, तो बाई टू का मतलब क्या होता है, तो x/2 किया मैंने तो 45 आ गया, ये कितना आ गया, 90 आ गया। ये तो क्या बोल रहा है कि जब बाई टू करोगे ना तो 45 से मोर होगा, 90 से लेस होगा, हम पहुंच जाएंगे फर्स्ट में, और फर्स्ट में पहुंचने का मतलब क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे रूट के पहले कोई साइन नहीं लगेगा, मतलब प्लस का साइन है ही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो कॉस एक्स की औकात क्या है, -√15/4, क्लियर है, / 2। अब इसको फटाफट जल्दी से कैलकुलेट कर लो बिना टाइम पास किए हुए, ठीक है। ये 4 आया, √15 आया, 8 आया, इसको ऐसे लिख के छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अरे सॉल्व करने मतलब यहाँ 8 को सॉल्व कर सकते हो, 2 √2 ले सकते हो, 2 बाहर ले सकते हो, ठीक है। तो cos x/2 = 2 × 2 × 2 लिखेंगे, मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, 4, 1/2, 4 - √15/2, ओके, ठीक है। sin x/2 क्या आएगा बेटा, फॉर्मूला क्या है, 1 - cos x/2 डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 - cos x क्या है, माइनस में, ये प्लस का हो गया, √15/4/2, क्लियर है। यहाँ पे 4 × 4 मतलब 4 + √15/8 आया, ये आ गया sin x/2, ठीक है। बस सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ यार, ठीक है, परेशान मत हो, यहाँ से कैलकुलेशन को देख के परेशान मत हो, आप लोगों को इतनी फास्ट कैलकुलेशन करना होगा, नहीं करोगे तो पेपर छूट जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, 4 + √15 और ये 8 है, तो 2 लिखो, यहाँ पे 2 निकाल लो। अब साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, ये साइन की वैल्यू आ गई और ये कॉस की वैल्यू आ गई, दोनों का रेशियो क्या है, 10, वो भी तो पॉजिटिव होगा ना, 10x/2, देखो डायरेक्ट sin/cos, ये आपका दिस है, तो ये √4 + √15/2, 1/2 cos, 1/2 4 - √15/2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, 4 + √15/4 - √15, ठीक है, 2, तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, ओके। तो ये फाइनल tan x/2 आ गया, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो वीडियो को दोबारा इसको देख लीजिएगा, हाँ, बट डाउट अगर दोबारा देख लोगे तो डाउट अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो नया चैप्टर में डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि जरूरत लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ओके, थैंक यू बेटा।